जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दो टेस्टों में हराकर तीसरे टेस्ट में खुद हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम को कर दिया है बीसीसीआई ने घोषित, और वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल हुआ है घोषित। तो क्या कुछ खबर की पूरी जानकारी बताएंगे हम आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के फैन है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भी टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे। पहले वनडे में रोहित शर्मा उपस्थित नहीं रहेंगे क्योंकि वो छुट्टी पर हैं, और पहले वनडे में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से बढ़त बना ली है। हालांकि तीसरे टेस्ट में भारत को मुंह की खानी पड़ी थी। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने जीत लिया था, तीसरे में हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने जहां दूसरे टेस्ट में 6 विकेट से हराया था, वहीं दोस्तों तीसरे टेस्ट में भारत को 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच बीसीसीआई ने अगले तीन वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा दोनों मैचों में कप्तानी करेंगे, यानी टेस्ट में भी कप्तानी कर रहे हैं और वनडे में भी रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बदलाव ये देखने को मिला है कि पहले वनडे में रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करेंगे, वो छुट्टी पर हैं, और टीम इंडिया में केएल राहुल को बरकरार रखा गया है। कितने आदमी थे? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैच सीरीज के लिए भारतीय टीम को कर दिया है घोषणा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा पहले वनडे में उपलब्ध नहीं रहेंगे। इस मैच में हार्दिक पांड्या पहले वनडे की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। यहाँ दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज भी खेली जाएगी, और तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 17 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा। रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है। वहीं दोस्तों दूसरा मुकाबला 19 मार्च को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। वहीं तीसरा वनडे भारत और ऑस्ट्रेलिया का 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। तो बस जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय वनडे टीम कुछ इस प्रकार होगी, और बीसीसीआई ने कर दी है पूरी तरह से घोषित। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, शुभमन गिल शामिल रहेंगे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन विकेट कीपर के रूप में शामिल रहेंगे, हार्दिक पांड्या उप कप्तानी कर देंगे, रविंद्र जडेजा को टेस्ट के साथ वनडे टीम में भी शामिल किया गया है, वहीं रविचंद्र अश्विन को वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद में दोस्तों है कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, और दोस्तों शार्दुल ठाकुर, यानी दोस्तों शार्दुल ठाकुर की भी वापसी हो रही है क्योंकि शार्दुल ठाकुर शादी के बाद में पहली वनडे सीरीज अपने खेलेंगे। उसके बाद में अक्षर पटेल है, और दोस्तों आखिर में है जयदेव उनादकत। दोस्तों आपको बता दें जयदेव उनादकत को टेस्ट सीरीज में भी शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक उनको एक भी टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला है। यहां दोस्तों आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज 17 मार्च को शुरू होगी, और पहला मुकाबला मुंबई में, दूसरा विशाखापट्टनम में, और तीसरा मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। यहां दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत टेस्ट सीरीज की तरह वनडे में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी या नहीं? अपनी प्यारी सी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देते हुए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।